देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरियां, आपकी खबर, आपकी भाषा। इस समय मैं गुरेह गांव में मौजूद हूं और ये है बारात घर। देख रहे हैं पीछे ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अहमदाबाद से एक व्यक्ति का परिवार जिसमें दो भाई और एक महिला है और महिला के साथ बच्चा है। ये लोग यहाँ पर 7 दिन से क्वारंटीन है। इनका आरोप है कि यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। एक तो ये है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। शौचालय अगर है भी तो वो इतनी बुरी अवस्था में है कि वहाँ पर शौच के लिए नहीं जाया जा सकता। जहाँ पर सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उनके घर में ही शौचालय दे रहे हैं, तो ये क्वारंटीन की जगह पर शौचालय क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपम्प तो है, लेकिन उसका पानी इतना ख़राब है जो पिया नहीं जा सकता और उसके लिए उनको बाहर भी जाना पड़ता है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप समझ रहे हैं कि गर्मी के दिन हैं, मई का महीना चल रहा है, इतना ज़्यादा तापमान होता है और यहाँ ये बिल्डिंग है जो पक्की बनी हुई है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं हैं, तो बगैर लाइट पंखे के कैसे लोग रह सकते हैं इस तरह की गर्मी में। जी बताइए। हाँ, हमारे भैया भाभी रहते इधर, पंखे पंखे कुछ नहीं लगे, छोटे छोटे बच्चे हैं और धूप में रहो, इस टाइम से धूप इधर को चली जाती है तो बच्चे गर्मी लगता है, अंदर रहाइश नहीं पड़ते। अगर बाहर बैठते तो बोले बाहर मत बैठो, अंदर बैठो, तो कब तक आप अपने अंदर बैठे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, आने आने गाँव के प्रधान खाना पीना हर चीज़ दे रहे हैं, हमारे गाँव को तो कोई कुछ नहीं दे रहा। ये थोड़ी ना है, अपन लोग भी इंसान, अपन लोग तो इधर से पैदल चल के आए हैं। अपन लोग, हमको तो कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं हमें सुविधा मिल रहा, इतनी दूर से हम पैदल आए। अगर हमें कोरोना वायरस होता तो हम तो वही गली के होते ना, हम इधर थोड़ी ना आ पाते। तो कितने लोग आप वहाँ से चल के आए? हम लोग चल के आए, कुछ आए करबई के, कुछ बबेरू के। हम अपने गाँव से अकेले थे। अगर कहीं जाओ तो बोलते हैं, गाली देते हैं, बोले हम तुम्हारे हाथ पर तोड़ के हमें तुम्हें बैठा देंगे। कौन कहता है? अरे कोई कहता है, हम तो इधर ही थे, हमारे पास थोड़ी ना आता उधर जाके घरों में गाली देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग ये सोचे थे कि हम अपना प्रदेश से घर जाएंगे तो अपने घर द्वार में रहेंगे, माँ बाप के पास रहेंगे, तो बोले इधर नहीं, जंगल जाते, हार पे जाते, बोले उधर भी नहीं जाओगे, तुम इधर ही रहोगे। या एक आदमी का हमारा लगा अहमदाबाद से लेके यहाँ बांदा तक का, यानी घर तक का 610 रुपये एक प्रति आदमी का लगा, साबरमती एक्सप्रेस से आए हुए यहाँ उरई जिले। हमने दिया 2 आदमी का 1220 रुपये। पर सरकार कहती है कि मजदूरों को फ्री में भेजा जा रहा है। अब हाँ कहती है ये तो हम कहती है, सुनते हम भी हैं। अब हमारे जेब से लगा तो हम क्या जाने कि मतलब कहती है कि हमारे तो जेब से लगा भाई, किसको दिया भाड़ा? ये हमारे जब वहाँ अहमदाबाद से बस में बैठाया गया तो बस वाले ने बोला कि मतलब एक आदमी का 610 रुपये लगेगा आपको। टिकट दिया उसने? हाँ टिकट, मतलब प्लेटफार्म में हमें टिकट मिला, फिर बस में हमारा पैसा उसूल हो गया हर आदमी से। यहाँ ये बोले गया कि मतलब आपके लिए बढ़िया पक्का कमरा है और लाइट पानी सब, हाँ और सब कुछ है, ऐसा नहीं है, नल भी गड़ा हुआ है, लेटरिन भी बना हुआ है, कमरा भी हुआ है, मगर एक बल्ब के लिए हमने बोला, हमको बल्ब तक नहीं मिला। अगर अपने घर पे होता तो हम बल्ब लेके लगा सकते हैं, अगर इतना खर्च हो सकता है, इतनी मेहनत कर सकते तो हम 150 का भी बल्ब भी लगा के यूज कर सकते हैं। अपने पास तो पंखा है नहीं, क्या करें, रात में तो यहाँ सोते, दिन में तो यहाँ बैठते हैं, कोई हवा तो चाहिए अपने शरीर को लिए। पानी भरने जाओ, लेटिंग पानी, कहीं हवा पानी लेने जाओ तो आदमी मतलब लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ मत आओ। अब 24 घंटे मतलब आदमी घर के अंदर रहेगा तो मतलब उसकी हालत क्या होगी, कैसे जी पाएगा? बाहर की तो हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर घर ही के वही इंसान अगर अंदर रहेगा, उसी के हवा बाहर आएगी, अंदर आएगी, तो वो तो और बीमारी है ना। और भाभी यहाँ हैंडपंप लगा है तो पानी पीने में अच्छा नहीं, कितना होता है पानी यहाँ किनारे साइड है तो हम लोग जैसे नहीं अच्छा लगता है, वो नहाने में उसकी साबुन भी नहीं छूटती, तो नहाने के बहाने धोने के लिए
यहीं नहा धो लेते हैं हम लोग, पर पीने के लिए नहीं बहुत अच्छा लगता है। पीने के लिए लाते हैं एक दो कट्टी ले आते हैं। यहाँ पर शौचालय है, एक शौचालय भरा हुआ है, उसको मतलब पानी डालो तो नहीं अंदर जाता, वो पूरा उतराता रहता है। तो फिर आप कहाँ? अब एक में जो अगर नहीं अच्छा लगता है हम लोग तो बाहर निकल के सवेरे चले जाते हैं। हमारी मम्मी है जाती है, सुबह आवाज़ लगा देती है, हम लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब पीछे पीछे चले जाते हैं, पीछे पीछे उनके चले जाते हैं। न किसी से बोलते हैं, न बताते हैं। अगर हमारे खाना न होता कोई खाना ना कोई हम लोग को देता, हम लोग बच्चे लिए हैं मर जाते हैं। ले प्रधान को सुविधा करना चाहिए, कम से कम खाना यात्री को भेजना चाहिए अपने घर। हमारे गांव में बारात घर को छोड़कर बारात स्कूलों में पंखे लगे, बिजली भी है, बिजली भी है वहाँ पर, पंखे भी लगाए गए लगे हुए पहले से। बस ये है कि जैसे आंधी आ जाती है तो गांव में जब बत्ती रहती बत्ती वहाँ भी चली जाती है। स्कूलों में हर जगह पर पंखे लगे हुए हैं, पानी की और बिजली की दोनों व्यवस्था है। और बारात घर में? बारात घर में भी एक में बिजली की व्यवस्था है, हैंडपम्प भी लगा हुआ है, एक दूसरा बारात घर उसमें नहीं है। जिसमें भी बिजली लगी उनसे कहा गया कि आप निजी पंखा ले लीजिए, अपने घर में लगा लीजिए, वहीं पर बारात घर में आराम से रहिए। आप लोगों ने इस तरह की समस्या को लेकर के जो आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं कि पूछते हैं, वहाँ पर इस तरह की चर्चा करते हैं क्या? हाँ, हम अपने जो हमसे संपर्क में हैं जैसे लेखपाल है, एनम है, हम इन लोगों को लगातार सूचना देते रहते हैं। तो वो किस तरह की बातें करते हैं? वो लोग कहते हैं कि आप लोग देखिए सुनिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। इस समय हमारे गांव में जो लेखपाल पिछली बार ड्यूटी लगाई थी, ड्यूटी हमारे गांव में नहीं लगी हुई है, उनको अन्य क्षेत्रों में जहां जैसे मान लीजिए मटौन में एक लगे कि बांधा में ड्यूटी लगी हुई, दो ही लगे हुए हैं इन लेखपालों के अलावा। अब भी उसके बावजूद भी वो लोग आते हैं, इसके अलावा कोई कर्मचारी कोई अधिकारी हमारे गाँव में नहीं आता है। देखिए, जहाँ तक सूचनाएँ ऐसी अगर हमारे पास किन्हीं माध्यमों से आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है और देखते हैं, जो आवश्यक होता है तो वहाँ जो स्थानीय कर्मचारी लेखपाल हैं, सचिव हैं और तहसीलदार हैं, इनसे वार्ता करके उनकी जो भी कमियां हैं खाने पीने की, स्वास्थ्य की, उन समस्याओं को दूर कराने का कार्य कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से कई क्वारंटाइन क्षेत्रों में प्रतिदिन जाना होता है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेना और उनमें सहयोग करके कि इनके भोजन स्वास्थ्य की चिंता करना, कार्यकर्ता निरंतर कार्य में डटे हैं। प्रत्येक क्वारंटाइन क्षेत्र में सरकार ने लेखपालों को, स्थानीय कर्मचारियों को, सचिव हैं ग्राम के उनको नियुक्त कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं और प्रशासन पूर्ण रूप से उनकी भोजन की व्यवस्था सुलभ करा रहा है। तो ये व्यवस्थाएं हैं क्वारंटीन स्थल की, जो कि सरकार को करना चाहिए ताकि मजदूर जो इतनी ज़्यादा समस्या झेल करके पैदल चल करके आए हुए हैं, उनको कम से कम अपने घर में, अपने गांव में व्यवस्था तो हो सके, लेकिन वो भी नहीं है। ये एक सरकार के लिए बड़ा सवाल है। खबर लहरियां, आपकी खबर, आपकी भाषा।